अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हूं जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। जो भी नई लेटेस्ट प्रोडक्ट होती है उससे आपको प्रॉपर रिव्यू मिलता है न्यू पार्क ट्रेडिंग के ऊपर। तो चैनल पे आने में जितने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के जबरदस्त रिव्यूज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहें। बैक के ऊपर जो है खूबसूरत मॉडल मौजूद है फ्लिपर ईवी का, जिसका आज रिव्यू करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो जी, और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी फ्रंट लाइट से। तो खूबसूरत किस्म की जो है इसकी लाइट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पे सेंटर में इसका खूबसूरत किस्म का प्रोजेक्शन लाइट है। जैसे आप इसका फुल इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोजेक्टर ऑन हो जाता है। वैसे इसके अंदर जो है पार्किंग डीएलएल दिया है खूबसूरत किस्म का और शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है फ्रंट के ऊपर। और इसके साथ ही जो इसका टायर साइज़ है वो यहाँ पर मैंशनड है 60 90 10, ये इसका टायर साइज़ है। और फ्रंट एंड बैक दोनों के ऊपर सेम साइज़ है और ट्यूबलेस टायर्स के अंदर आते हैं। फ्रंट पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वही ड्रम ब्रेक है और रियर के ऊपर भी ड्रम ब्रेक की ऑप्शन दी गई है। जो इसका बॉडी मटेरियल है काफ़ी अच्छा मटेरियल है, फ्लेक्सिबल भी है और काफ़ी अच्छा एबीएस मटेरियल के अंदर दिया गया है। फ्रंट के ऊपर लगेज स्टोरेज करने के लिए ये आपको बास्केट प्रोवाइड की गई है। इसके अंदर आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान लगेज स्टोरेज कर सकते हैं और अपना चार्जर भी इसका कैरी करना चाहें वो भी इसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं। और अभी बढ़ते हैं इसके मीटर डिस्प्ले की जानी। तो खूबसूरत किस्म का इसका आपको मीटर मिलता है वेलकम, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो इस टाइप का आपको मीटर डिस्प्ले मिलता है। और यहाँ पे आपको पार्किंग ऑप्शन में, जैसे पार्किंग में हटाने के लिए आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये रेडी मोड में चले जाए, उसके बाद आप इजीली इसको राइड कर सकते हैं। मैक्स जो स्पीड है इसकी वो 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो बच्चों के हवाले से ये काफ़ी अच्छी बाइक है स्पीड के हवाले से, मतलब इसमें ओवर स्पीड नहीं होती। बाकी यहाँ पर आपको नीचे माइलेज की ऑप्शन मिल जाती है और लेफ्ट साइड जो ग्रिप है इसमें हारन की ऑप्शन दी गई है। इसके साथ ही कीलेस एंट्री भी है इसके बाइक के अंदर, आप इसको रिमोट की मदद से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। ये इसका कीलेस एंट्री जिसकी मदद से आप इसको विदाउट की इग्निशन में लगाए हुए आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। इसी की मदद से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं और लॉक करने के ऊपर आप इस बाइक को जैसे कोई बंदा अगर छेड़ेगा तो इसके अंदर जो है अलार्म एक्टिव होता है और ये अलार्म इसका बजता है इस टाइप का। अभी बढ़ते हैं जो इसके यहाँ पे जो स्पेशली बैटरी पैक है वो यहाँ पे इसके फ्लोर के अंदर दिया गया है और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने लॉक सिस्टम भी अच्छा दिया है, मतलब आपको स्क्रू ओपन नहीं करने पड़ते। ये इसका ऐसे कवर ओपन हो जाता है, इसके अंदर ये नीचे चार बैटरी हैं। ये चिल्वी की बैटरी यूज़ की गई, चिल्वी काफ़ी टॉप लीडिंग ब्रांड है चाइना में, उसकी बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई हैं जो कि 48 वाट 12 एम्पेयर की हैं। ड्राई एसिड ड्राई बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई हैं और इसके साथ ही यहाँ पर इसके मेन फ्यूज़ भी दिया जाता है इनकेस कोई लो एंड हाई वोल्टेज हो, तब भी ये जो इसका फ्यूज़ जो है वो प्रॉपरली काम करता है। बाकी जो है इसको बाइक को आप ड्यूरिंग रेन भी चला सकते हैं, बारिश में भी चला सकते हैं, लेकिन जो इसकी मोटर है वो आप पानी में डिप नहीं कर सकते। स्मूथ सरफेस के ऊपर आप इजीली इसको राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे नए मॉडल्स के अंदर इन्होंने चेंजिंग लाई, यहाँ पर जो राइडर है उसके लिए फुटरेस्ट दिए गए हैं बेहतरीन। पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे ये पीछे फुटरेस्ट पैनल मौजूद है। यहाँ पे जो है फ्लोर के ऊपर रखे जाते थे पाँव, तो अभी ये कंपनी ने नए मॉडल्स के अंदर चेंजिंग की है तो ये फोल्डेबल जो है राइडर के लिए फुटरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। और मेजर चेंज जो है इस नए मॉडल के अंदर यहाँ पर जो है वो पैडल की ऑप्शन दी गई है, पहले इस मॉडल के अंदर पैडल की ऑप्शन नहीं थी, तो अभी ये इन्होंने दो मेजर चेंज किए हैं। और स्पेशली अच्छा चेंज जो है यह पैडल की ऑप्शन भी है कि इन केस चार्जिंग जहाँ पर ख़त्म होती तो बच्चे ईजिली इसके ऊपर पैडल के ऊपर भी राइड कर सकते हैं और इसके साथ साथ बच्चे जो ये सेहत है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी पैडल चलाने से। तो दोनों चीज़ें इसके साथ ही कंपनी ने फोकस करते हुए इसके ऊपर काम किया है। अभी मेनली जो इसकी आपको मोटर बताएं तो 350 वाट की इसकी मोटर है और काफ़ी अच्छी मोटर है, पावरफुल। इसको आपको दोबारा से भी चला के दिखा देता हूँ, ये पार्किंग से हटा के ये 350 वाट की मोटर है जो कि मैक्सिमम जो है 25 स्पीड जनरेट करती है मैक्सिमम स्पीड। और शॉक सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है इसकी, पावरफुल शॉक सस्पेंशन है, रियर के ऊपर भी दो बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। राइडर के लिए जो सीट है काफ़ी अच्छी है, पिलियन राइडर के लिए भी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सीट देगी है, लेकिन राइडर के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब बड़ा बंदा भी एडल्ट इसके ऊपर बैठना चाहे तो इस पोजिशन पर ऐसे बैठ के राइड कर सकता है। मैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट राइड भी लेके आपको चेक करवाऊँगा कि इसका सीटिंग पोस्चर कैसा लगता है। बाकी स्पेशली ये जो मॉडल इलेक्ट्रिक बाइक का ये डिज़ाइन किया गया स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सहूलत हो गई है। तो जो लोग भी माँ बाप सोच रहे थे कि बच्चे को कोई बाइक लेके देना चाहते हैं, फ्यूल वाले बाइक से काफ़ी लोग जो है ना डरते हैं, अपने बच्चों को नहीं लेके देते, वो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रिक बाइक काफ़ी कन्वीनियंट भी है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ भी है। तो जल्दी से अपने मनु बबलू को ये इलेक्ट्रिक बाइक ले कर दें।
और इस बाइक में जितने भी डिटेल्स फैक्सी फीचर आपसे मैंने बताए हैं, अभी जो है इसकी चार्जर लगा हुआ सॉकेट में, वो आपको लगा के भी इसकी चार्जिंग बताते हैं किस तरह ये चार्ज होता है, और चार्जिंग ड्यूरेशन जो है इसकी वन चार्ज के ऊपर ये तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाता है। ये इसका चार्जर दिया गया, आप नॉर्मली किसी भी सॉकेट में लगा सकते हैं। मोस्टली लोग पूछते हैं कि इसको कहाँ पे चार्ज करना चाहिए, तो नॉर्मली जैसे आप जैसे अपना मोबाइल चार्ज करते हैं नॉर्मल सॉकेट में, तो आप इजीली इसको ऐसे अपने सॉकेट में प्लग में लगाएंगे, और इसका जो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है वो यहाँ पे दी गई है इस तरफ, और यहाँ पे आप इसकी चार्जिंग पोर्ट के इंसर्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसकी जो है चार्जर रेड लाइट हो जाएगी, और जैसे ये फुल होगा तो इसकी लाइट जो है वो इस टाइप की ग्रीन हो जाएगी। जैसे ग्रीन हो आप इसे उतार दें, क्योंकि मोस्टली जो ओवरनाइट जो चार्जिंग है उससे जो है इम्पैक्ट पड़ता है आपकी, बाज़ दफ़ा लो एंड हाई वोल्टेज से आपका चार्जर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके साथ आपकी जो है बाकी चीज़ों पे भी कंट्रोलर पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो एहतियात यही है कि आप जब भी इसको चार्जिंग पे लें कोई भी किसी ब्रांड का है, तो ओवरनाइट चार्जिंग ना करें। जब भी आप दिन में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, जैसे चार्जिंग फुल हो अपने सामने इसको उतार दें, ताकि किसी किस्म का जो है वो इम्पैक्ट ना पड़े आपके किसी भी चीज़ के ऊपर। तो जी और ये था आज का रिव्यू, जिसके अंदर आपको फ्लिपर ईवी 350 के बारे में कंप्लीट डिटेल स्पेक्स बताइए, जो भी इसके अंदर मेजर चेंज थी नए मॉडल्स के अंदर उसके वाले से आपसे डिस्कस किया है। वीडियो कैसी लगी इस वाले से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और वीडियो में एंड में डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्राइस। तो इस मॉडल की जो प्राइस है वो 98,000 है, और इसके साथ ही डिलीवरी सर्विस ऑल ओवर पाकिस्तान में, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए इसको अपने डोरस्टेप पे डिलीवर भी करा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा अदर सोशल मीडिया लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही फैसल मुगल को ज़्यादा दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।